दोस्तों नमस्कार, लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। उदयपुर जिले में आरोग्य सेवा संस्थान में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ली गई नशा मुक्त भारत की शपथ। आपको बता दें, आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दिनांक 12 अगस्त 2022 को पूरे देश भर के सभी स्कूलों, कॉलेजों और राज्य की संस्थानों में नशे के विरुद्ध शपथ दिलाई गई है। इसी संबंध में आरोग्य सेवा संस्थान नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र में उपचारित मरीजों को संस्थान अध्यक्ष नरपत सिंह चौहान द्वारा नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई गई है और देश के भावी कर्णधारों को नशे से लड़ने के लिए प्रतिज्ञा दिलाकर जागरूक किया गया है। संस्थान अध्यक्ष चौहान ने बताया कि जिस तरह आज देश नशे रूपी बीमारी से ग्रसित होता जा रहा है, इसे नशा मुक्त बनाने हेतु हर वर्ग के व्यक्ति को एकजुट हो नशे रूपी बीमारी से लड़ना होगा और नशा मुक्त भारत का सपना साकार करना होगा। इसलिए आओ मिलकर अपने उदयपुर को नशा मुक्त बनाने का प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने देश को नशा मुक्त। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे नया भारत नशा मुक्त भारत अभियान, जो कि 12 अगस्त 2022 जो आज के दिन सभी स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर और राज्य संस्थानों के अंदर आज नशे के विरुद्ध शपथ दिलाई जा रही है, उसी के अंतर्गत आज हमारी संस्था में उपचारित मरीजों को नशा ना करने की शपथ दिलाते हुए उन्हें नशा ना करने हेतु प्रेरित किया गया और उन्हें इस चीज़ से अवगत कराया गया कि अगर हम नशा छोड़ेंगे तो हमें देखकर हजारों लोग नशा छोड़ेंगे। और इसी कड़ी के साथ में हम जो ये भारत सरकार का जो एक सपना है नया भारत नशा मुक्त भारत का, उसी के तहत हम एक नया भारत और नशा मुक्त भारत बना सकते हैं और लोगों को नशा ना करने के लिए जागरूक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।